छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले केस में कारोबारी अनवर ढेबर और अरविंद सिंह को कोर्ट से राहत नहीं मिली। रिमांड खत्म होने पर ईओडब्ल्यू ने दोनों को जज निधि शर्मा तिवारी की कोर्ट में दोनों को पेश किया। ईओडब्ल्यू की ओर से फिर से पूछताछ के लिए 8 दिन की रिमांड मांगा गया, पर कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड मंजूर कर 12 अप्रैल तक दोनों को भेजने का आदेश सुनाया। ईओडब्ल्यू के वकील सौरभ पांडे ने बताया कि ईडी ने शराब नीति और इस मामले में राज्य को हुए राजस्व नुकसान के मामले में जाँच शुरू कर दी गई थी और इसकी जानकारी साझा की। हमें अपने स्रोतों से आर्थिक अपराध की जानकारी मिली थी, हमें जाँच शुरू करने के लिए सबूत की जरूरत थी। हमें पता चला कि शराब बिक्री में बहुत सारे घोटाले और अपराध हो रहे थे। राजस्व का सबसे ज्यादा नुकसान डुप्लीकेट होलोग्राम के जरिए हुआ, इसमें बहुत सारे लोग शामिल थे। एसीबी ईओडब्ल्यू छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के पुलिस विभाग के द्वारा अपराध क्रमांक 4/2024 दर्ज किया गया था और जिसमें कि जो सेक्शंस थे वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एज वेल एज आईपीसी के अंतर्गत थे और जिसमें कि बेसिकली जो लेकर की पॉलिसी और लेकर को लेकर के जो अवैध रूप से पैसे की उगाही की गई थी और राज्य सरकार को राजस्व के हानि की गई थी, इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया गया। ये बात भी है कि हमें इसकी जानकारी जो है वो प्राप्त हुई थी अंडर सेक्शन 66 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो स्टेट्यूटरी प्रोविजन है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की थी, जो कि उसके लिए मैंडेटरी है शेयर करना। अगर कोई कॉग्निजेबल नॉन बिलेबल ऑफेंस घटित होता है तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस अथॉरिटी के साथ उस इन्फॉर्मेशन को शेयरिंग करे जो उस मामले में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सक्षम है। वो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की गई, साथ ही साथ अन्य सूत्रों से भी, जो हमारे सूत्र हैं उनसे भी हमने इन्फॉर्मेशन प्राप्त करी कि भाई किस प्रकार से ये सारा जो खेल चला है पूरे छत्तीसगढ़ में और कैसे चला है उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। और तब सुदृढ़ होने के पश्चात कि हम पास पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं, क्योंकि इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग भी, उसका नाम ही कहता है अपराध, आर्थिक अपराध अन्वेषण, और जब आर्थिक अपराध की हमको जब तक उसमें गंध नहीं मिलेगी हम उसमें हाथ नहीं डालेंगे। जहां हमें समझ में आए कि हाँ अब हमें ऐसा लग रहा है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी कुछ हमको इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की, उसके अतिरिक्त भी दूसरे लोगों ने भी हमसे इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की है जिसमें से हमें अपराध दिखाई दे रहा है, हमने इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया, कई लोगों को बुला करके स्टेटमेंट हमने रिकॉर्ड करे, जैसा कि रिमांड एप्लीकेशन में हमने लिख के भी माननीय न्यायालय को बताया है कि 17 लोगों को हमने बुला के इन्फॉर्मेशन पूछताछ करी। पूछताछ करने के पश्चात हमने पाया कि छत्तीसगढ़ में तो वृहद स्तर पे आबकारी नीति में बदलाव करके, कमीशनखोरी करके, कई प्रकार से जो शराब के सेलिंग में जो है वो क्या कहते हैं क्राइम किया गया है, जिसमें एक प्रकार का क्राइम ये किया गया कि किस शराब विक्रेता, शराब मैन्युफैक्चरर से शराब परचेज की जाएगी, कमीशन लेकर के उसको ठेका दिया कि हम तुम्हारी कंपनी से ही शराब लेंगे। तो उसमें से एक बात ये भी सामने आई कि जो शराब विक्रेता है उसको उसने कहा कि भाई हमको वो बहुत सारे एरिया, ज्यादा एरिया दो हमको विक्रय करने का, तो उसमें भी हमने मतलब जो तत्कालीन जो लोग थे अधिकारीगण और उससे रिलेटेड मंत्रीगण, उन लोगों ने उसमें भी कमीशन प्राप्त किया। साथ ही साथ जो होलोग्राम का जो खेल चला जिसमें कि सबसे ज्यादा राजस्व की हानि हुई कि अगर होलोग्राम के डुप्लीकेट होलोग्राम बनाए, मसलन के लिए कि अगर एक ही सीरीज के 2 होलोग्राम बनाए जा रहे हैं तो जैसे 100 बोतल शराब बनी, 100 बोतल तो असली होलोग्राम की थी जिससे राजस्व की जो है हानि नहीं हुई, राज्य शासन के पास में राजस्व की प्राप्ति हुई, और वहीं दूसरी तरफ 100 बोतल ऐसी बनी जिसमें नकली मतलब डुप्लीकेट यानी वही पुराने यूज के होलोग्राम को लगाया गया, उससे राजस्व की हानि हुई और उससे बहुत सारा धन का अर्जन किया गया। वो सारा पैसा जो है वो जो वर्तमान अभी हमारे इन्वेस्टिगेशन में ऐसा आया कि अनवर ढेबर के पास में आया और उसने कई लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया, उसने स्वयं के लिए प्रॉपर्टी परचेज करी, जिन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया उन लोगों ने प्रॉपर्टी परचेज करी, जिन लोगों के साथ मिलके सारी कहानी को अंजाम दिया वो आबकारी अधिकारी थे, अनिल टुटेजा, यश टुटेजा तो उसके सबूत हैं, ये सब लोग उस समय शीर्ष पे थे और इन लोगों ने उसको अंजाम दिया है। साथ ही साथ अरविंद सिंह और ऐसे के गुर्गों का इस्तेमाल किया जो कि ट्रांसपोर्टर्स हुआ करते थे और जो कि इनके इस धंधे को सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा है उसका ध्यान रखते थे।
तो ऐसा इनका पूरा सिंडिकेट चला जो अभी तक क्या अपराध अनुसंधान में हमारे सामने आया है। इन सारी बातों को हमने माननीय न्यायालय के समक्ष रखा और रखने के पश्चात हमने 16 अप्रैल तक के रिमांड की मांग की थी। इनके हमारी रिमांड जो है उभय पक्षों के तर्कों को सुनने के पश्चात 12 तारीख तक इसको की गई है। अभी 12 तारीख तक हमने माननीय न्यायालय से यह भी बताया था कि इसमें छत्तीसगढ़ से बाहर की एंटिटीज भी शामिल हो सकती है, हमें बाहर भी लेके जाना है। सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हमें अभी रिमांड 12 तारीख की स्वीकृति की गई।